एक बार फिर से रशिया की तरफ से इंडिया को सुखोई 57 का ऑफर किया गया है, पर ये ऑफर सुखोई 57 का एक्सपोर्ट वर्जन नहीं है बल्कि इंडिया और रशिया के बीच में पहले जो FGFA प्रोग्राम चल रहा था उसको लेके है। सुनने को आ रहा है कि रशिया चाहता है भारत के साथ FGFA प्रोग्राम को फिर से रीओपन किया जाए, जिसमें दोनों कंट्री मिलके फिर से सुखोई 57 के बेस पे इंडिया के लिए एक ट्विन सीटेड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए। तो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं डिटेल में। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि रशिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर है और क्रिटिकल और एडवांस तरीन डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई में भारत के लिए रशिया का जो स्टेटस है वो कोई देश नहीं ले सकता है। और नया जनरेशन का एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट सप्लाई में रशिया अभी और पीछे नहीं रहना चाहता है, इसीलिए रशिया की तरफ से भारत को फिर से फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 57 का ऑफर किया गया है। पर ये ऑफर पिछले ऑफर जैसे सुखोई 57 का एक्सपोर्ट वर्जन का नहीं है बल्कि 2016 में दोनों कंट्री के बीच में जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब FGFA चल रहा था, जिससे भारत अपने आप को पीछे हटा लिया था, उसको रीओपन या फिर रिज्यूम करने का रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि रशिया और भारत मिलके सुखोई 57 के बेस पे एक FGFA प्रोजेक्ट बना रहा था, जिसमें भारत के लिए रशिया के मदद से भारत में एक नया फिफ्थ जनरेशन ट्विन सीटेड फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा था। ये एयरक्राफ्ट देखने में तो सुखोई 57 जैसा था, पर ये एयरक्राफ्ट में सुखोई 57 से करीबन 40 नया अपग्रेडेशन किया गया था जो इंडिया स्पेसिफिक अपग्रेडेशन था। इसके अलावा कैपेबिलिटी में भी ये एयरक्राफ्ट 57 से आगे था। एक तरह से देखे तो जैसे सुखोई 30 और सुखोई 30 MKI है, वैसे ही सुखोई 57 और FGFA है। FGFA को भी सुखोई 30 MKI जैसे इंडिया के लिए स्पेशली बनाया जा रहा था, जिसमें इंडिया के जरूरत के मुताबिक और इंडिया का कंडीशन और टेरेन को देखते हुए अलग अलग मॉडिफिकेशन किया गया था। पर दोनों कंट्री के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर इश्यू होने के बाद ये प्रोग्राम को 2016 में रद्द कर दिया गया था। दोस्तों, 2016 में हमें सुनने को मिला था कि इंडिया के तरफ से सुखोई 57 में जो टेक्नोलॉजी शेयर का बात किया जा रहा था वो रशिया के तरफ से मंजूर ना होने के वजह से इंडिया को बहुत सारा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में शेयर तो नहीं दिया जा रहा था बल्कि बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी इंडिया को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था। पर रशिया के तरफ से इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए इंडिया से ज्यादा पैसे का मांग भी किया जा रहा था। दोस्तों, कोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अगर इंडिया डेवलपमेंट के काम में शामिल नहीं होगा तो ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सुखोई 30 MKI जैसे भी हो सकता है, जिससे इंडिया को एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट तो शामिल करने को मिलेगा पर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं मिलेगा जिससे इंडिया खुद का नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को बना पाए। दोस्तों, यही कारण था जब इंडिया इस प्रोग्राम से अलग हो गया था। पर हाल ही में जब लिमा 2000 एयर शो में रशिया के तरफ से सुखोई 57 का एक एक्सपोर्ट वर्जन को दुनिया के सामने लाए जाने का बात किया गया था, तब रशिया के तरफ से ये भी बताया गया था कि रशिया चाहता है कि अपना इस एयरक्राफ्ट को सबसे करीब तरीन एलाई को बेचने के लिए, जिसमें इंडिया और चाइना शामिल है। पर चाइना का खुद का एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने के कारण से चाइना का संभावना बहुत कम था, इसीलिए इस एयरक्राफ्ट को सबसे ज्यादा इंडिया को बेचने के लिए संभावना दिखाई दे रहा था। दोस्तों, उस ऑफर के बाद जब एयर चीफ मार्शल 8 तारीख से रशिया के विजिट में थे, तब रशिया के तरफ से फिर से और एक बार FGFA प्रोजेक्ट को रिज्यूम करने का बात किया गया है। दोस्तों, रशिया का फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन का डिप्यूटी डायरेक्टर व्लादिमीर ड्रॉसजॉफ के तरफ से बताया गया है कि रशिया इस प्रोजेक्ट को इंडिया को ऑफर करने के लिए राजी हो गया है और हमें लग रहा है कि इंडिया के साथ इस प्रोजेक्ट को फिर से रीओपन किया जा सकता है। रशिया के तरफ से इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, जबकि इंडिया का पार्टनर के साथ रशिया का भी बातचीत चल रहा है। उन्होंने तास न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए ये भी बताया है कि रशिया का फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एक बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है, जिसे लेके दुनिया के किसी भी देश को कोई भी आशंका नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया का जो जरूरत है उसके मुताबिक उनका प्रोजेक्ट भी रेडी है और हर तरीके का डॉक्यूमेंटेशन भी कर लिया गया है। दोस्तों, इससे पहले रशिया का इंडस्ट्री और ट्रेड का मिनिस्टर डेनिस वेंड्रोव के तरफ से भी एक बार बयान दिया गया था कि रशिया का सुखोई 57 एक स्टेल्थ और सुपरसोनिक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही कैपेबल होगा और इंडिया इस एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है। दोस्तों, अगर इंडिया के तरफ से इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा तो ये इंडिया के लिए पहला फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बन सकता है, जबकि सुखोई 30 MKI के बाद रशिया के साथ इंडिया का जॉइंट वेंचर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। दोस्तों, सब लोगों के मन में ये
सवाल उठ रहा होगा कि रशिया के तरफ से जब एक बार सुखोई 57 का एक्सपोर्ट वर्जन का ऑफर किया गया था जिसका जवाब अभी तक इंडिया के तरफ से नहीं आया, तब फिर से रशिया के तरफ से FGFA को रिज्यूम करने का क्यों रिक्वेस्ट किया गया है। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोगों को राफेल डील से मिल जाएगा। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया पहले MMRCA टेंडर के तहत 126 राफेल भारत में ही बनाना चाहता था, पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इशू होने के वजह से सिर्फ 36 राफेल खरीदा है। तो यही चीज को अगर ध्यान में रखते हुए आप अगर देखेंगे कि इंडिया अगर डायरेक्टली सुखोई 57 का एक्सपोर्ट वर्जन को परचेस करता है तो इंडिया ज्यादा से ज्यादा 2 स्क्वाड्रन तक एयरक्राफ्ट का ही ऑर्डर देगा, जबकि इंडिया का अभी नीति है कि किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट को इंडिया में ही मेक इन इंडिया के तहत प्राइवेट पार्टनर या फिर गवर्नमेंट एजेंसी के साथ मिलकर बनाया जाए। और इस नीति को देखते हुए रशिया को लग रहा है कि अगर इंडिया को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के साथ FGFA को फिर से रिज्यूम करता है तो रशिया को ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट का स्पेयर पार्ट सप्लाई करने को मिल सकता है, जिसका लागत 2-3 स्क्वाड्रन सुखोई 57 का एक्सपोर्ट वर्जन से कई गुना ज्यादा होगा। इसके अलावा इंडिया अगर ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट को अपने कंट्री में प्रोड्यूस करता है तो उस एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए और ओवरहॉलिंग करने के लिए भी रशिया को दशकों तक इक्विपमेंट सप्लाई करना पड़ेगा, जो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस का चांस बन सकता है। इसके अलावा अभी तक रशिया इंडिया को 4th जनरेशन और 4++ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट सप्लाई कर चुका है और रशिया का नजर इंडिया का MiG-35 एयरक्राफ्ट के डील के ऊपर भी है। इसीलिए माना जा रहा है कि MiG-35 डील को पाने के लिए भी रशिया इंडिया के साथ सुखोई 57 का FGFA वर्जन के ऊपर काम करना चाहता है, जिससे रशिया को 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट का डील और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का डील एक साथ मिल जाए और सदियों तक रशिया इंडिया के साथ बिजनेस कर पाए। दोस्तों इसमें इंडिया का भी फायदा है क्योंकि रशिया के S-400 को खरीदने के बाद इंडिया के पास कम ही चांस है कि अमेरिका इंडिया को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी दे। इसके अलावा अमेरिका का दोगलेपन को देखते हुए हमें नहीं लगता है कि अमेरिका इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का टेक्नोलॉजी देगा, और जबकि इंडिया अभी अपना 4th जनरेशन का मीडियम वेट फाइटर और तेजस Mk-1A के ऊपर काम कर रहा है, इसीलिए 5th जनरेशन AMCA प्रोजेक्ट करीबन 2025 तक दुनिया के सामने आना असंभव है। और ऐसा सिचुएशन में जहां पे चाइना के तरफ से 2 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, तब इंडिया को भी एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जरूरत है। और वहीं पे रशिया द्वारा अपना सुखोई 57 को बना लिया गया है और 76 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी दे दिया गया है। इसके अलावा इंडिया का जो सबसे बड़ा इशू था वो था FGFA का इंजन को लेके। माना जा रहा है कि रशिया अपना AL-41 इंजन के बदले में यहां पे अपना एसडेलिया 33D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन का इस्तेमाल करेगा, जो इंडिया के जरूरत के मुताबिक होगा। इसके अलावा ये इंजन इंडिया का जरूरतों को पूरा पूरी कम्पीट करता है, जिसके लिए इंडिया के सामने कोई और इंजन का इशू नहीं रहेगा। और दोस्तों अगर इंडिया FGFA प्रोजेक्ट में जाएगा तो पहले ही इंडिया और रशिया के बीच में FGFA प्रोजेक्ट को लेकर बहुत हद तक काम किया जा चुका है। दोनों कंट्री के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी हो चुका है, जिसे सिर्फ नया टर्म्स एंड कंडीशन के साथ रीओपन करना है। इसके अलावा इंडिया के तरफ से FGFA प्रोजेक्ट के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी किया जा चुका है, जिसको लेके अभी इंडिया को इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। और दोस्तों दोनों कंट्री के बीच में सुखोई 30 MKI बनाने के लिए जो प्रोडक्शन हाउस बना था उसमें बनने वाला 272 सुखोई 30 MKI लगभग तैयार हो गया है, जिस वजह से आने वाले कुछ सालों में ये प्रोडक्शन लाइन खाली हो जाएगा। और इंडिया और रशिया मिलकर अगर सुखोई 57 के बेस पे FGFA के ऊपर काम करेगा तो माना जा रहा है कि नया प्रोडक्शन लाइन का जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि सुखोई 30 MKI का जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें ही FGFA एयरक्राफ्ट को बनाया जा पाएगा। मतलब इंडिया अगर FGFA प्रोजेक्ट को फिर से रिज्यूम करता है तो दोनों कंट्री के बीच में एग्रीमेंट को साइन करने के लिए या फिर फंड को ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा बातचीत या समय का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट का लगभग बहुत प्रतिशत डेवलपमेंट हो चुका है और इंडिया के पास सुखोई का प्रोडक्शन लाइन भी है, इसीलिए इस एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द डेवलप करके इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। और दोस्तों इंडिया का प्रोडक्शन रेट और प्रोजेक्ट का डिले होने का प्रोबेबिलिटी को देखते हुए हमें लग रहा है कि इंडिया को अभी से ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे जो प्रोजेक्ट 4-5 साल तक कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम डिले होने के बाद भी वो प्रोजेक्ट समय पे इंडियन एयरफोर्स के हाथ में आ जाए। इंडियन एयरफोर्स का गिरता हुआ स्ट्रेंथ को देखते हुए हमें नहीं लग रहा है कि समय पे इंडियन एयरफोर्स MiG-21 को रिप्लेस कर पाएगा। इसके अलावा जब तक MiG-21 फोर्थ जनरेशन फाइटर द्वारा रिप्लेस होगा तब तक इंडिया में इस्तेमाल किए जाने वाला मिराज 2000 और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट भी पुराना हो गया होगा, और उसे रिप्लेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को अभी से ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ये एयरक्राफ्टों को फिर से 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस Mk-1 या फिर मीडियम वेट फाइटर द्वारा रिप्लेस किए जाने का मतलब ये है कि एक ही तरीके का एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में भर जाएगा। इसके अलावा 42 स्क्वाड्रन के लिए खाली एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए नया से नया एयरक्राफ्टों को भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का जरूरत है। दोस्तों चाइना द्वारा
J20 और J31 के ऊपर काम किया जा रहा है, जहां पे J20 चाइनीज एयरफोर्स में कुछ ही सालों में शामिल हो जाएगा और J31 को चाइना द्वारा दूसरे कंट्री को भी बेचा जाएगा। बीच में हमें सुनने को आया था कि चाइना J31 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान को बेचना चाहता है। वैसे अगर देखा जाए तो J31 एयरक्राफ्ट इंडियन AMCA प्रोजेक्ट द्वारा आसानी से काउंटर किया जा सकता है, पर J31 का प्रोटोटाइप ऑलरेडी बन चुका है, जहां पे AMCA प्रोजेक्ट का सिर्फ डिजाइन फेज कंप्लीट हुआ है। मतलब अगर इंडिया को चाइनीज स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और चाइना द्वारा पाकिस्तान को बेचे जाने वाला J31 एयरक्राफ्ट को काउंटर करना है, तो अभी से ही इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और AMCA के अलावा दूसरा एक हैवी वेट एयरक्राफ्ट जैसे कि FGFA के ऊपर काम शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, देखना यह है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस ऑफर को लेकर क्या जवाब आता है और इंडिया का FGFA प्रोजेक्ट का फ्यूचर कोई आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सफेद बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।